बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में नरेंद्र मोदी छाए रहे। मोदी पर चुप रहने वाले दूसरे मोदी यानी सुशील कुमार मोदी ने भी आज नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत रिश्तों की परतें खोली। सुशील मोदी ने कार्य समिति की बैठक से बाहर निकलकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन सांसद भोला सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। पार्टी हमेशा समय पर सही वक्त में पार्टी निर्णय करती है। नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, मित्रवत संबंध हैं, एक पार्टी में हैं और इसीलिए समय आने पर पार्टी इस मामले में निर्णय करेगी। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन से जब सुशील कुमार मोदी ने नरेंद्र मोदी पर चुप्पी तोड़ने पर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के रत्नों में से एक है। नरेंद्र मोदी हो, सुशील मोदी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, सब भारतीय जनता पार्टी के रत्न है। वैसे इस मौके पर सुपर शॉट अगर किसी ने लगाया तो वो अपने शॉटगन या बिहारी बाबू थे। उन्होंने कहा कि नैमो और सैमो की जोड़ी यानी नरेंद्र और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी 2014 में नेतृत्व करेगी। शॉटगन यहां पर नहीं रुके और ऐलान कर दिया कि बीजेपी अपने बलबूते चुनाव लड़ सकती है। किसी और बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक तरफ जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनका आशीर्वाद है, लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान भी हैं, नैमो नरेंद्र मोदी भी हैं और सुमो सुशील मोदी भी हैं। तो नैमो सुमो हमारे पास हैं तो फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, बस चलो। मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई अलाई अगर अकेला चलो के लिए तैयार होता है, चलना चाहता है, तो हम समझते हैं आज हमारे अंदर भी इतनी वो स्थिति आ गई है, वो ताकत आ गई है, वो जोश और वो ऊर्जा है कि हम भी अपने साथ अपने बलबूते पे अपनी ताकत पे अच्छे से आगे मार्च कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। बीजेपी की बैठक मोदीमय होती जा रही है। ऐसे में बीजेपी के एक धड़े द्वारा मोदी के नाम पर नानुकुर के बाद भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम से किनारा कर लेगी ऐसा मुश्किल ही लगता है। कम से कम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बदले हुए तेवरों को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। आर्य न्यूज के लिए पटना से कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ सीटू की रिपोर्ट।